नमस्कार दोस्तों, ये जो आपका फोन है स्मार्टफोन, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और अगर सोच करके देखिए, अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो क्या बीतेगी उस पर, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसका फोन चोरी हुआ है। तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। एप्लीकेशन का नाम है गोरखा ऐप, जिसे आप नॉर्मली प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपका ये मेन फोन है और आपका ये फोन चोरी हो जाता है, तो आप अपने फोन की लोकेशन कैसे जान पाएंगे ये मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। आपने कुछ नहीं करना, मान लीजिए फोन चोरी हो गया आपका, आपने एक और अपने किसी दोस्त का, अपने फैमिली मेंबर का फोन लेना है, मैसेजेस को ऑन करना है। मैसेज पे जैसे ही जाएंगे आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ, केशव भाई एक बार आगे ले आइए, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं मैसेज है नॉर्मल। इसमें आपने अपना नंबर डालना है जिसको आपने सेंड करना है, क्योंकि आपका जो फोन चोरी हुआ होगा वही डालना है। मान लीजिए ये आपका चोरी हुआ है तो आपने यहाँ पे लॉक लिखना है, LOCK, एल कैप्स में होना चाहिए, OCK। और एक कोड यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, ये कोड होगा जो आपको मिलेगा, ये आपका पिन है एक तरीके से ऐप का, 4-डिजिट पिन है जो हर किसी को अपने ऐप को एक्सेस करने के लिए पिन डालना होगा। इस पर जैसे ही आप सेंड करेंगे, मेरा जो फोन है ये मोबाइल चोरी का है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। तो देखा आप लोगों ने, मतलब एक मैसेज से मैं अपने फोन को लॉक कर चुका हूँ और ये तब तक रहेगा और ये फोन में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए, कोई किसी के हाथ में भी ये फोन है कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम लॉक कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। और अब दूसरी चीज, जिस फोन से आपने इसको लॉक किया है उसी फोन से ही आप इसे अनलॉक भी कर पाएंगे अगर आपका फोन मिल जाता है तो। अदरवाइज जिस चोर के हाथ में आपका फोन है वो इस फोन का कुछ भी नहीं कर सकता, ना आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जिस फोन से आपने मैसेज करा है उस फोन पर आपकी लोकेशन और उसके साथ साथ फोटो आ गई है कि किसके हाथ में आपका फोन है। साथ साथ ये देखिए, दिस मोबाइल बिलोंग्स टू चिराग सचदेवा दिस, इसका मतलब ये है कि ये चिराग सचदेवा का फोन है और उसे ही कॉन्टेक्ट कीजिए। अब इसे बंद कैसे किया जाएगा, बंद करने के लिए आपको फिर से, केशव भाई ये दिखाइए, फिर से आपको उसी में जाना होगा, चिराग सचदेवा वाले में। यहाँ पर आपको स्टॉप लिखना होगा, लॉक की बजाय STOP, और उसके बाद आपको वही पिन डालना होगा, 4-डिजिट। मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा, ये देखिए, ये अब दोबारा मेरा फोन अनलॉक हो गया। तो कितना इंटरेस्टिंग फीचर है ये। इसी के साथ साथ अब दूसरा फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए किसी चोर के हाथ में आपका फोन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही फोन चुराया सिम ट्रे निकाली, सिम आपका फेंका और अपना सिम यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मान लीजिए आपका सिम डलता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर डला है। कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए, मैं ये सिम ट्रे है इसको निकाल रहा हूँ मैं, और जो इसके अंदर सिम है उसको चेंज करने लगाऊंगा मैं, और इसके बदले मैं कोई और सिम डालूंगा। ये देखिए, अभी सिम डला ही नहीं, जैसे सिम निकला ये सायरन बज गया और अब मैं इस फोन का कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा फोन लॉक हो चुका है। ये देखिए, कुछ भी नहीं कर सकता इसका मैं। ये देखिए, जब तक मैं गोरखा, जो इसका जो ऐप है, इसका पासवर्ड नहीं डाल देता, और चोर को ये पासवर्ड नहीं पता चलेगा इस ऐप में, जब तक वो पासवर्ड नहीं डल जाता, अब मुझे क्योंकि पासवर्ड पता है तो मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता तो ये देखिए कैसे सायरन बजेगा। और अभी तक सिम मैंने सिर्फ निकाला था, डाला नहीं है। अभी इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, और बहुत इजी स्टेप है इसको डाउनलोड करने के, जिसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, गोरखा को सर्च कीजिए, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको गोरखा शो हो जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपके फोन के मेन्यू में जाना होगा, वहां जाने के बाद गोरखा पे क्लिक कीजिए। गोरखा पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पर डाउनलोड एंड ऐप शो हो रहा होगा, इसका मतलब ये कि अभी आपकी एप्लीकेशन पूरे तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है। इस पर क्लिक कीजिए, आपकी एप्लीकेशन कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके फोन के फाइल मैनेजर में जाना है, उसके डाउनलोड ऑप्शन में जाना है, और डाउनलोड में जाते ही रिसेंट फाइल जो डाउनलोड हुई होगी उसका नाम भी गोरखा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा से आपके फोन के मेन्यू में जाकर गोरखा पे क्लिक करना है। यहां पर आपको दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, पहला ऑप्शन शो हो रहा होगा लॉगिन, और दूसरा शो हो रहा होगा साइनअप।
साइन अप करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स में आप अपनी ऐप को साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले अपना फुल नेम डालना होगा, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। और जैसे ही आप ये डालेंगे, इसके नीचे आपको एंटर ऐप पिन दिखाई दे रहा होगा। मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बता दूं, ये जो ऐप पिन है, आप अपनी पसंद का कोई भी 4-डिजिट पिन डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये पिन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि यही पिन आपका बहुत जगह पर काम आने वाला है। आपकी एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे, हर बार आपको ये पिन डालना होगा, तभी जाकर के आप अपनी ऐप में लॉग इन कर पाएंगे। तो नीचे पिन डालने के बाद एक चेकबॉक्स शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन लॉग इन या साइन अप हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, उसके बाद आप फीचर्स में देखेंगे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, और पहला ऑप्शन है एंटी थेफ्ट, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन है फाइंड माई फोन, इस पर जैसे ही आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपका फोन अगर चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो आप अपने फोन से एक मैसेज के जरिए, सिर्फ एक SMS के जरिए अपने फोन की लोकेशन पता कर सकते हैं कि आपका फोन इस वक्त कहां पर है। इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसका नाम है फोटो कैप्चर रियर एंड फ्रंट। इस ऑप्शन को जैसे ही आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और जिस किसी के भी हाथ में आपका फोन है, आपको एक सिंपल मैसेज करना होगा आपके किसी और फोन से या अल्टरनेट फोन से, और उसी वक्त जिसके पास भी आपका फोन होगा, चोरी हुआ हुआ फोन होगा, फ्रंट कैमरे से और बैक कैमरे से उसकी फोटो कैप्चर कर ली जाएगी, और आपके उस नंबर से, जिस नंबर से आपने मैसेज करा, उस नंबर पर आपके पास लोकेशन और उसकी फोटो, दोनों चीजें मैसेज के जरिए पहुंच जाएंगी कुछ ही सेकंड्स में। यकीन मानिए, कुछ ही सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन कहां पर है। इसके नीचे जैसे ही आप आएंगे, आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं USB इंसर्ट और USB इजेक्ट। अगर मान लीजिए आपका फोन चोरी हो जाता है और जिस किसी के भी हाथ में आपका फोन है, जैसे ही वो शख्स उस फोन में कोई USB पोर्ट इजेक्ट करेगा या इंसर्ट करेगा, उसी वक्त आपके फोन में एक अलार्म बज जाएगा और आपका फोन लॉक हो जाएगा। इन ऑप्शंस के ठीक नीचे एक और ऑप्शन है विमेन सेफ्टी। विमेन सेफ्टी, यकीन मानिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए एक बेहतरीन फीचर है। अगर कहीं पर भी कोई भी फीमेल ट्रेवल कर रही है या कहीं पर जा रही है और उनको लगता है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप ये फीचर को ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद आप अपने फोन के पावर बटन, जो लॉक बटन होता है जिसे आप लॉक करते हैं फोन को, उसको 5 बार प्रेस करेंगे तो जो आपने अल्टरनेट नंबर दिए हुए हैं इस एप्लीकेशन में, उन पर आपकी लोकेशन शेयर कर दी जाएगी, कि इसका मतलब ये होगा कि आप सेफ नहीं हैं। इसी फीचर के ठीक नीचे आप देख पा रहे होंगे सिम कार्ड लॉक। इस फीचर को जैसे ही आप ऑन करेंगे और आपका फोन अगर मान लीजिए चोरी हो जाता है, चोरी होने के बाद अगर कोई भी शख्स आपका सिम निकाल करके कोई और सिम डालने की कोशिश करता है, तो आपका फोन कंप्लीटली लॉक हो जाएगा, उसमें अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ साथ जो भी सिम डला है आपके फोन में, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके अल्टरनेट पर सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि किसी ने इस नंबर के साथ, इस नंबर का सिम आपके फोन में इंसर्ट किया है। इसी के ठीक नीचे है डोंट टच माई फोन। अगर मान लीजिए आपका ये फोन है और अगर कोई भी आपके फोन में इनकरेक्ट पिन या पासवर्ड डाल देता है, तो आपका फोन कंप्लीटली लॉक हो जाएगा, और जिस किसी के भी हाथ में आपका फोन होगा, वो फोन दोबारा अनलॉक नहीं हो पाएगा, आप अपने गोरखा ऐप से ही उसे अनलॉक कर पाएंगे। इसी के नीचे एक और फीचर आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है मूवमेंट लॉक। मूवमेंट लॉक का मतलब है, अगर आपका फोन मान लीजिए किसी जगह पर पड़ा है और कोई भी शख्स इसे उठाने की कोशिश करता है, तो आपका फोन लॉक हो जाएगा और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के ठीक नीचे एक और फीचर आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है पॉकेट लॉक। मान लीजिए आपका फोन आपकी पॉकेट में है और कोई भी जेब कतरा आपकी जेब से फोन निकालने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त आपके फोन में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। इसके नीचे का ऑप्शन है चाइल्ड एक्टिविटी। चाइल्ड एक्टिविटी का फीचर आप जैसे ही ऑन करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ वही दिखाएं जो आप चाहते हैं आपका बच्चा देखे, तो आप चाइल्ड एक्टिविटी ऑन कर सकते हैं, और चाइल्ड एक्टिविटी ऑन करने के बाद आप अपने बच्चे के वॉचिंग कंटेंट पर निगरानी रख सकते हैं, और आपका बच्चा सिर्फ वही देख पाएगा जो आप दिखाना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा बैकअप कॉन्टेक्ट्स एंड मैसेजेस। इसके फीचर्स के नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा, जैसे ही आप इस फीचर को ऑन करेंगे, वैसे ही आपके फोन का जो भी बैकअप कॉन्टेक्ट्स और मैसेजेस का होता है, वो आपके फोन में, आपकी इस गोरखा ऐप में स्टोर हो जाएगा। और आपका फोन अगर चोरी होता है और अगर आप नए फोन में अपना डेटा चाहते हैं, तो गोरखा ऐप को जैसे ही आपने नॉर्मल इंस्टॉल करना है और आपका सारा डेटा
आप अपने फोन में कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये तो थे कुछ कमाल के ऐसे फीचर्स जो आपको मैं अभी कुछ देर में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये तो थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर जो ऊपर बैक का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे और आपके दोनों तरफ, एक तरफ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, और दूसरी तरफ आपको 3 डॉट शो हो रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड की। जो इतने सारे फीचर्स आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन आपसे थोड़ा सा चार्ज ले रही है। वो कितना चार्ज है मैं आप लोगों को बता दूं, 50 रुपए महीना। पहले साल आपको हर महीने एक तरीके से 50 रुपए देने होंगे, एक साल का 600 रुपया देना होगा और उसके बाद आपको हर साल सिर्फ 100 रुपए पे करने हैं, मतलब कि 8.5 रुपए महीना आपको इस एप्लीकेशन के लिए पे करना है। और आप कैसे इस एप्लीकेशन को पा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको पाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए www.swapdeal.io। जैसे ही आपकी स्वैपडील वेबसाइट ओपन होगी उसके ठीक साथ में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लास्ट ऑप्शन गोरखा ऐप का शो हो रहा होगा। गोरखा ऐप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहां 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला ऑप्शन डाउनलोड ऐप और दूसरा ऑप्शन शो हो रहा होगा बाय ऐप कोड। अगर आप ये एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुके हैं और आप इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट कराने के लिए ऐप कोड चाह रहे हैं तो आपको बाय ऐप कोड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय ऐप कोड पर क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन शो होंगे। पहला लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल करना होगा, और दूसरा है साइन अप। अगर आप एक फ्रेश यूजर हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करते ही आपको वहां पर कुछ डिटेल्स हैं जो फिल करनी होंगी, और डिटेल्स फिल करने के बाद आप ऐप कोड को परचेज कर पाएंगे और आपकी एप्लीकेशन यूज करने के लिए रेडी होगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं इसको खरीदना तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक नीचे नंबर दे रहा हूं जिस पर फोन करके आप अपनी एप्लीकेशन को एक्टिवेट करा सकते हैं, और एक और एड्रेस आपको नीचे शो हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इस एप्लीकेशन के लिए थोड़ी सी डिटेल्स लेना तो आप इस नीचे वाले एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं। यकीन मानिए ये सचमुच आपके फोन को और आपके डेटा को बिल्कुल सिक्योर रखने वाली है। मात्र 8 से 8.5 रुपए हर महीने आपको इस एप्लीकेशन के लिए देने हैं और आप अपने डेटा को और अपने फोन को सिक्योर रख सकते हैं। तो देर किस बात की, आज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद आज इसको एक्टिवेट कराइए। एक्टिवेट कराने के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मैं आपको एक बार फिर से नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं, इस नंबर पर फोन कीजिए और अपनी एप्लीकेशन को एक्टिवेट करवाइए, और अपने फैमिली मेंबर्स के फोन को चोरी होने से बचाइए, अपने डेटा को चोरी होने से बचाइए। हमें उम्मीद है आपको एप्लीकेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।